Shall we start? Is it live? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد I welcome all of you in the question and answer session of As-Saffa program related to As-Saffa program with especially Sheikh Atif. Assalamu alaikum Sheikh Saab, can you hear me? Walaikum assalam wa rahmatullah Adil bhai kya haal hai aapke kaise aap sunaye kaise hain khairiyat se hain Alhamdulillah, all good, Alhamdulillah. First of all, Jazakallah khair for taking time out from a prestigious, you know, very time job. No, that's not a problem, Alhamdulillah. We course bhi kara rahe the. Mashallah se, abhi ek hi ghante pehle aapka ek aur course tha. To, kyunki hamare paas sawalat kafi zyada the pichle session ke baad, Alhamdulillah, it was a very good response. Jis tarah humne course ke overview ke bare mein baat kiya aur uski jo hai wo necessity ke bare mein उस कोर्स की एप्लीकेशन के बारे में बात की तो आज इंशाल्लाह हम उसी सिलसिले में जो है वो आगाज करेंगे डिस्कशन का सबसे पहली चीज जिसकी तरफ आज हम आपके आपकी नजर आनी चाहेंगे कि जिस पे आप बात करें वो ये है कि इसके करिकुलम के हवाले से एक कोर्स को जो यूनिक करती है चीज वो उसकी एडमिन हो सकती है कन्वीनियंस हो सकती है टाइमिंग्स हो सकते हैं लैंग्वेज हो सकती है लेकिन सबसे बढ़ के जो मिद्रार इंस्टीट्यूट इस वक्त इस कोर्स को एक यूनिक एक यूएसपी के तौर पे जो पेश कर रही है वो उसका करिकुलम है कि करिकुलम कैसे आपने उसको कंसाइज किया जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर के उलूम पे इंशाल्लाह बात करेंगे उसूल फिक्र उसूल हदीस फिक्र सरा उसूल फिक्र और अकीदा इंशाल्लाह हम इस पर चाहेंगे कि आप इस पर बात करें सो लेट्स टॉक अबाउट उसूल फिक्र फर्स्ट ओवर टू यू देखिए एक तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सब्जेक्ट मतलब मैं जरा सवाल समझना चाह रहा हूँ सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन पे बात करनी है कि सब्जेक्ट कौन सा सबसे ज्यादा मजे का है या ज्यादा इंटरेस्टिंग है या क्या उसकी डेप्थ है या सब्जेक्ट की कंसिजन के ऊपर बात करेंगे कि इसको छोटा कैसे किया जो हमारी अभी ऑडियंस है दे डोंट क्लियरली गेट के उसूल फिक्र व्हाट इज उसूल फिक्र एक आम आदमी को नहीं पता तो ये कोर्स के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए ताकि आम लोगों को पता चले वो ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स वो ज्वाइन करें वो कन्विंस हो तो उनको पता हो क्या पढ़ रहे हैं सही इस पे मेरा टेक तो यही है व्हाटएवर आई नो इज कि देखें जो कुरान और हदीस है वो अल्लाह ताला की वही है और वो अल्लाह ताला का कलाम है वही जो है तो उसके अंदर जो अल्लाह की मुराद है वो अरबिक लैंग्वेज के अंदर है और उस लैंग्वेज को डिकोड करने के अंदर जो उसूल और प्रिंसिपल्स हैं जानने के लिए कि वो क्या कह रही है आयत या वो सेंटेंस या वो जुमला क्या कह रहा है एक लिहाज से वो इतना सिंपल नहीं है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके तहत उसको डिकोड किया जाता है उससे मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको समझा जाता है एक हिस्सा तो उसूल फिक्र का ये है अनलॉकिंग द फ्रेजोलॉजी एंड द जनरल फ्रेज ऑफ कुरान एंड सुन्ना मतलब आपको उसमें से ये जानना है कि यहाँ क्या बात हुई भी है कैसे हुई भी और किस तरह से हुई भी फिर उसका दूसरा पार्ट है कि उसे उस पर अप्लाई करना होता है जो मसला वाकई में हमारे साथ आया हुआ होता है तो इसके तीन चीज़ें हैं प्रोसेस की जिसके बगैर जो है ना ये उसूलों को और उसूलों की एप्लीकेशन को समझा नहीं जा सकता नंबर वन एक मसला है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होगा या वो पॉलिटिकल होगा इज्तिमाई होगा सोशल होगा इंडिविजुअल होगा स्पिरिचुअल होगा पर्सनल होगा फिजियोलॉजिकल होगा इबादत से ताल्लुक रखता होगा या स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक रखता होगा या वो इज्तिमाईत से ताल्लुक रखता होगा या वो अदाब से ताल्लुक रखता होगा या वो एथिक्स से ताल्लुक रखता होगा या वो सिस्टम की पैकेजिंग से ताल्लुक रखता होगा तो उस सारे मसाइल में जो इंसान को पेश आते हैं बहैसियत फ़र्द और बहैसियत एक जमात और बहैसियत एक पर्सन और बहैसियत एक रूह उसके अंदर जो भी मसले मसाइल आएंगे वो मसले का हल है तो कुरान हदीस के अंदर ही मगर एक है मसला और एक है उसका हल तो निकालने वाला जो होता है उसे ज्यूरिस्ट कहते हैं मुश्तहिद कहते हैं मुफ्ती कहते हैं या आलिम दीन कहते हैं वो मसले को समझना एक उसका पार्ट है जिसे हम फिकुल वाकिया कहते हैं और एक चीज है जिसके अंदर से उस मसले का हल निकलना वो है कुरान और हदीस तो कुरान और हदीस में डाइव करते हुए जिन उसूलों की जरूरत पड़ती है बेसिकली उन्हें उसूल फिक कहते हैं
उसूले फिक के अंदर हमारा ज्यादातर सीखना इन चीजों को होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, सही, आप क्या जवाब देंगे? अदील। आप ये नहीं कह रहे अभी कि मेरा नाम, आपने मेरा नाम अदील है ड्रॉप किया हुआ है यहाँ पर, महजूफ हुआ हुआ है यहाँ। जैसे आप पूछे ना व्हाट इज योर नेम, तो मैं नहीं कहूंगा आई एम आतिफ, हम कहेंगे आतिफ। तो इसी तरह सेंटेंसेस के अंदर कभी मुब्तदा ड्रॉप्ड होता है, कभी खबर ड्रॉप्ड होती है, कभी ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड होता है, कभी सब्जेक्ट ड्रॉप्ड होता है, कभी फाइल ड्रॉप्ड होता है, कभी मफूल ड्रॉप्ड होता है, कभी सेंटेंसेस को आयतों को समझने के अंदर कभी आगे वाला पीछे होता है, पीछे वाला आगे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह और वलिल्लाह इल्हम्द दोनों के वजन के अंदर फर्क है, दोनों की माने के अंदर जरा सिग्निफिकेंस और वेटेज के लिहाज से फर्क है। एक में खबर, एक में खबर पहले है, दूसरे के अंदर जो है वो बाद में आया हुआ है। तो इस तरह कुरान की आयत और सुन्नत को खोलने के अंदर जो उसूल चाहिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ पानी लाएं, पानी लाएं, पानी लाएं, नौ मकाम पर मैंने आपसे कहा है पानी लाएं और एक मकाम पर मैंने आपसे कहा है ठंडा पानी लाएं, तो क्या नौ मकाम पर जो मैंने पानी कहा है उसका मुराद मेरा ठंडा पानी है या वो अलहदा महल है, ये अलहदा महल है? मुतलक मुकय्यद की जो बहस है, इनडेफिनेट आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल पे हम मामूल करेंगे या नहीं करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल को हम इनडेफिनेट फ्रेजोलॉजी पे प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे, ये बातों से पता चलता है। अभी कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो है ना खून हराम है, मतलब इन्नमा हर्रम अल्लाह अलैकुम, मतलब जो चार चीजें हुरमत वाली हैं उनमें मुर्दार है दम है, वलहमल खंजीर और दम। एक जगह पर खून आया और एक जगह पे खून एक सिफत के साथ आया, दमे मफसू जिसे हम कहते हैं या दमे मसफू है, मसफू है मेरे ख्याल से ना, तो अब दमे मसफू। अब एक जगह पर दम आया है बगैर किसी कैद के, एक जगह पे दम आया है कंडीशन के साथ, तो उस वाले खून को इस पर रखना है, इस वाले को इस पर रखना है, इसको इंडिविजुअली रखना है, ये कैसे होगा? तो ये सारी बातें कुरान और हदीस में सॉल्व करने के लिए समझनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब कुरान में आता है अल्लाह ने हुक्म दिया फज़रिब बियासाक अल हजर, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि लाठी मारें आप और लाठी तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़ेंगे। आगे आता है फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आइना, फट पड़े उसमें से 12 चश्मे, मगर बीच में एक ऐसा काम है जो मेंशन नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम फजरब मूसा असा हुआ, मूसा ने अपना असा अलैहिस्सलाम मारा, वो वाला जुमला हजफ हुआ हुआ है या अंडरस्टूड होती है, तो इसको दलालतुन्नस कहते हैं, इक्तज़ाउन्नस, के इस टाइम पर आयत ये तकाजा कर रही है कि ये भी होगा और आयत ये तकाजा कर रही है कि ये आगे हुआ वह है तो ये भी मीनिंग निकल आएगा। इसी तरीके से किसी जगह पर अल्लाह कुरान में फरमाता है फला तकुल्लहुमा उफ़िन, उफ़ मत करना, इससे हम मफहूम मुखालिफ भी निकालेंगे और मफहूम मुआफिक भी निकाल लेंगे। इसी तरह मतलब उफ़ से मुराद क्या है कि उफ़ भी नहीं करना और उफ़ से आगे जाके थप्पड़ भी नहीं मारना हूँ ये, लेकिन आयत में मेंशन नहीं है लेकिन अंडरस्टूड होता है। तो अंडरस्टूड दो टाइप का होता है, अंडरस्टूड जो उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है और अंडरस्टूड जो उसके एंटी जा रहा होता है। तो फला तकुल लहुमा उफ़िन के माँ बाप को उफ़ ना करो, इसमें ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इससे बदतर भी नहीं जाना और ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इससे अच्छा जाना है, वबिल वाले देना आसाना, अगर ना भी होता तो इसमें अंडरस्टूड। तो मीनिंग की एक्सटेंशन जो है और मीनिंग की जो पूरी एक एक पूरी फ्रिजोलॉजी है, उसकी सेंटेक्स मॉर्फोलॉजी है, वो सब अब जरा चलने के मीनिंग में भी आता है, जरबा मारने के मीनिंग में भी आता है, जरबा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल समझने के मीनिंग में भी आता है। तो जरबा जब बा के साथ आता है, जरबा जब फा के साथ सिले के साथ आता है, तो इससे मीनिंग्स के अंदर क्या तगयुरात आते हैं, ये सारा डिकोड करना ही एक उसूल फिक में और लुगत का एक पहलू है, ये समझना बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो इसी तरीके से उसूल फिक कुरान और हदीस के अंदर डीपर डाइव लेके मीनिंग निकाल के सोल्यूशन पे अप्लाई करने का प्रिंसिपल सिखाता है कि सिर्फ महज कुरान खोल के आप अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो है ना ये काम नहीं करना, और दूसरी जगह पर अगर वो काम खुद उन्होंने कर दिया है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट कराएंगे। फिर एक जगह पर अल्लाह ताला डायरेक्टली नहीं कह रहा होता कि ये काम फर्ज है करना, फर्ज कहने के भी 5 तरीके हैं, 50 तरीके हैं अरबी जुबान में, वो अगर आपको नहीं पता तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि नमाज फर्ज है, वो तो कहा गया अकीमुस्सलात है, नमाज कायम करो। अब इससे कैसे पता चलेगा कि नमाज कायम करना मैंडेटरी है या नॉन मैंडेटरी है या प्रेफरेबल है, वाजिब है, मुस्तहब है, ये सारा जानने के प्रिंसिपल्स हैं
और वो अल्लाह ने अरबी लुगत और अरबी जुबान के अंदर उसके अंदर जो कलाम किया उसको डिकोड करने के लिए ये आपको प्रिंसिपल्स और उसूल चाहिए होते हैं, जिसके तहत आपको बात पता चलती है कि यहाँ इस लेवल की बात हो रही है। अच्छा, एक जगह पर अल्लाह बात कर रहे हैं आम से, एक जगह बात अल्लाह कर रहे हैं खास से। अब ऐसे कुरान में आता है, आखिरी बात करता हूँ फिर आप अगले सवाल पे चले जाइएगा, कि ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, कि दुनिया में जितना भी फसाद होता है वो तुम्हारे हाथों ने कमाया हुआ है। तो इससे क्या मुराद, हाथ से मुराद सिर्फ हाथ लेंगे या हाथ मुराद जिस्म लेंगे? तो कभी आम स्पेसिफिक बोल के मुराद उसकी जनरल होती है, कभी जनरल बोल के मुराद स्पेसिफिक होती है, कभी स्पेसिफिक बोल के मुराद स्पेसिफिक होती है, और कभी जनरल बोल के मुराद जनरल होती है। तो ये कैसे हमें फ्रेज में पता, अल्लाह ने हाथ बोला है तो जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, तो इससे बंदा कहेगा कि फसाद सिर्फ हाथों से होता है, मुंह पेट और शर्मगाह से नहीं होता। तो ये सब समझने के लिए आपको उसूल फिक की ग्रिप चाहिए, जिसके तहत आप कुरान हदीस में गौर व फिक्र कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आप उसके अंदर से मतलब से फतवा तो निकाल सकते, मगर जो एक्सटेंडेड जाके निकाल सकते थे वो वसत और वो डाइवर्सिटी और वो आपकी ताकत जो है वो लिमिट हो जाएगी, क्योंकि आपने उसूल फिक मास्टर नहीं किया। और इसी के अगला जो एक्सटेंशन है वो उसूल फतवा के अंदर जो है वो फतवा भी इसी इन्हीं प्रिंसिपल के साथ निकाला जाता है। इन्हीं प्रिंसिपल से फतवा एक्सट्रैक्ट होता है फिर, हाँ इन्हीं प्रिंसिपल से फतवा भी सीखा जाता है, उसूल फिक आगे जाके फिर फतवे के ऊपर डायरेक्ट होती है आगे के फर्दर फ्यूचर रूम के अंदर, के फतवा निकालने में किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि ये मर्दों के लिए है, ये औरतों के लिए है, ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है, ये डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है, ये वक्ती है, ये टेम्पररी है, ये खास इलाके के लिए है या खास जमाने के लिए, ये सारी चीजें आपको उसूल फिक से ही पता चलती हैं। तो इंशाल्लाह इन दिस 16 आवर्स ऑफ उसूल फिक जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इस पे हम एक फतवे की मैकेनिक्स और सारी टेक्निकलिटी समझ सकते हैं कि ये फतवा इस वक्त क्यों दिया गया ऐसे। एक पहले तो पढ़ाएंगे कि उसूल क्या है, हुक्म क्या होता है, हुक्म किसको दिया जाता है, हुक्म कौन देने वाला है, हुक्म कहां बदल, हुक्म अपने अंदर किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, महकूम, ये सारी तो पहले उसको पहले तो सफ़ा का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अवाम जो हमारे पास आ रही है जिन्होंने पहले कोई भी दरस निज़ामी या उलूम शरिया का कोर्स नहीं किया हुआ, उसको तो पहले कैनवस ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग ये सोच के आ रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक अरबी के अंदर लिखा हुआ एक कलाम है और दुनिया की सारी टेक्निकलिटीज तो मैथ साइंस फिजिक्स के अंदर होती है, दीन जो है वो कहीं पर टेक्निकल और उसके पीछे कोई मतलब जब हम गए थे तो ऐसे ही गए थे ना। तो पहला तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हम उसका वो माइंडसेट बनाएंगे कि भाई जान एक मसले के पीछे 50 चीजें चल रही होती हैं और एक आयत के साथ भी 50 डायनामिक्स जुड़ी होती हैं, उसके साथ अरबी भी चल रही है, नहव भी चल रही है, सर्फ भी चल रहा है, उसूल फिक भी चल रही है, उसूल तफसीर भी चल रही है, उसूल हदीस भी चल रहा है, ये और अकीदा भी चल रहा है, नहव भी चल रही है, सारे उलूम उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो रहे होते हैं उसकी सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट करने के अंदर। तो वो कैनवस ड्रॉ करने में एग्जांपल्स का वक्त तो आएगा, लेकिन पहले हमें वो कैनवस ड्रॉ करना पड़ता है कि भाई ये इतना सिंपल नहीं है कि अगर अल्लाह ने कहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन या रहमान रहीम मालिक, अल्लाह ने पूरी सिफात के मजमूए में से सिर्फ 5 सिफात सेलेक्ट की हैं सूरह फातिहा का प्रीफेस में डालने के लिए। तो ये 5 उसूली सिफात हैं जिसके ऊपर सारी सिफात का इन्हिसार है, तो ये 5 ही क्यों कहेंगे, इसको खोलने में टाइम लगेगा। तो पहले तो ये जो लोग भी ज्वाइनिंग करेंगे उनका एक कैनवस ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें आप भी बहुत एक्सपर्ट हैं पढ़ाने के अंदर, मैं तो चले इतना पहले करता था, तो ये तो ज्यादातर आपके कंधों पर ही बोझ आएगा। अदील भाई आप ही इसको ज्यादा इजिली खोलते हैं, तो पहले वो माइंडसेट खोलेंगे, फिर उसको बताएंगे कि भाई ये यहाँ ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, फिर ये प्रिंसिपल, और फिर एग्जाम्पल्स का वक्त आएगा, और साथ साथ में कुरान और हदीस की भी। इसलिए तफसीर और हदीस को ज्यादा थ्रॉटल हम देंगे सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हाथ जरा हल्के ही रखेंगे, क्योंकि उसूल पक्के होना बहुत जरूरी है। हाँ मतलब पहले उसको इसके साथ वो भी चलाएंगे, एक बार टाइम कम है, वक्त कम है, माइंड खोलना है, और प्लस कुरान हदीस भी अगर नहीं पढ़े तो लोगों को फील होगा कि भाई हम ये थोड़ी पढ़ने आए, क्योंकि माइंड लोगों का नेकी का यही है कि हम कुरान हदीस पढ़े, लेकिन कुरान हदीस पर चलने के लिए ही कुरान हदीस के जो उसूल बने हुए 1400 सालों से जिस पर उलमा ने अपनी राय दी और बनाई और एक्सट्रैक्ट किए वो भी खोलना लाजमी है। तो इट विल बी फन, मेरी नजर में टफ नहीं होगा, इट विल बी वेरी फन। उसूल जो है, वैसे ये एकेडमिक एक सवाल है, ये उसूल जो है हमेशा रहते हैं, सहाबा के दौर में भी उसूल मौजूद थे, बस ये लिखे बाद में गए, मतलब उनके दौर में असल में देखें नेचुरल एजुकेशन हुई, आप सल्लम के उस वक्त हालात ऐसे थे, मतलब जो एजुकेशन मॉडल आपसे सलम का ना वो असल नेचुरल मॉडल है,
वो बचपन से अगर हर घर में एक आलिम बाप हो तो वो अपनी औलादों को 20-22 साल तक पहुंचाने तक नबी के तरीके से नेचुरली एक मुफ्ती और आलिम बना सकता है। कैसे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मसला होता, वो मसला डिस्कस होता, उस वक्त वही उतरती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को जब अप्लाई करते तो उसके प्रोस कॉन्स हाई, उसकी हाइट डेप्थ, उसकी डेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पेशलिटी, उसकी स्पेसिफिकेशन जनरल सब सिखाते हैं वहां पर। इस तरह उनमें वो नेचुरली इम्बोस हुआ हुआ था कि किस तरह अप्लाई करते हैं अल्लाह की बात को, इसलिए जब वो उनके अंदर नेचुरली आता गया, नेचुरली। जैसे एक बंदे ने वो कहा कि मेरे सर में जख्म है तो क्या मैं मसा कर सकता हूँ या मुझे गुसल ही करना है, तो वहां पर एक भाई ने वहां फतवा दे दिया कि नहीं तुझे गुसल ही करना है, वो फौत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं करेक्ट कर दिया कि ये तो कत्ल हो गया तुम्हारे हाथों, ये तो कत्ल ही कंसिडर किया जाएगा, जब उसके लिए शरीयत में लेवरेज थी कि शरीयत के अंदर एक हुक्म होता है उसका एक इस्तिस्ना होता है, एक एक्सेप्शनल लेवल होता है जिसे लेवरेज कहते हैं, उसे रुखसत भी होती है फिर अजीमत भी होती है। ये सारा उसूल फिक्र का ही सब्जेक्ट है ना कि कहाँ शरीयत लेवरेज देती है, कहाँ शरीयत अपने स्टांस के अंदर बहुत एब्सोल्यूट खड़ी है, तो कहाँ रिलेटिव होती है, वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट की सिचुएशन के लिहाज से। आप सल्लम ने वहीं पे करेक्ट किया, वो समझ गए उस बात को, उन्होंने सारी जिंदगी फिर अप्लाई किया होगा कि नहीं यहाँ पर इस्तिस्नाई सूरत हाल बनती थी। तो इसलिए फिर हजरत उमर ने एक अपने दौर का फतवा दिया कि कहत साली के बीच के अंदर अगर कोई चोरी करे तो हाथ नहीं काटना चाहिए। तो ये इस्तिस्नाई सिचुएशंस भी मुफ्ती इसलिए ग्रिप कर चुका होता है क्योंकि उसने अभी उसूल पढ़े हैं, सहाबा ने उस दौर में नेचुरली पढ़े थे, इसलिए उनको किताबों की शक्ल में लाने की जरूरत नहीं पड़ी। सही, वो उसूल जो है वो बाद में नहीं लिखे गए, वो पहले से ही मतलब के मौजूद थे, उनके पास हमेशा से थे। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है ऑडियंस की तरफ से, मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट ही है होने वाले जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनकी किताबें हैं सफा की, अगर आपने सिलेबस जो है इतना सारा का दरअसल नामी उसूल फिक्र पढ़ाई जाती हो तो काफी देर में पढ़ाई जाती होगी, तो जो आप पढ़ा रहे हैं उसका कोर्स का मटेरियल आपने कहाँ से लिया? भाई देखें, मेरी नज़र के अंदर देखें, एक 8 साल के दरस निज़ामी के अंदर ना 3 साल पढ़ाई जाती है उसूल फिक्र 3 किताबों में। शुरू में उसूल फिक्र पर एक नज़र होती है या अनाफ के मदारस के अंदर उसूल शाशी से शुरू कराई जाती है या उससे भी कोई छोटी कोई किताब होगी, आगे जाके फिर उसूल सरखसी होगी या वहाँ पर जो है फिर वो और या अलवजीज़ यहाँ पढ़ा देते हैं बाद मदरसों के अंदर उसूल फिक्र। तो एक 8वें साल का लेवल होता है जो बहुत प्रैक्टिकल उसूल फिक्र का होता है। हम इमाम शातवी की मुआफ़कार तो नहीं खोल सकते यहाँ पर, वो तो बहुत ही सीनियर बुक है, वो तो आगे जाके कहीं बड़े मुश्तहिदीन ही उसको खाते में लाते होंगे, लेकिन असल हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 7-750 घंटे उसूल फिक्र में ये जानना है कि भाई ये इसमें 3 किताबें होती हैं और हर के अंदर ना लेवल्स बढ़ता रहता है, तो एक फर्स्ट ईयर ले लें, एक फोर्थ या थर्ड ईयर ले लें और एक 7th या 6th या 8th ईयर के बीच की किताब ले लें। तो इन तीनों के अंदर कम से कम जो 5th ईयर और 1st ईयर के बीच का जो लेवल है उसके अंदर उसको अगर इस्तलाहात पता हो, जारगन्स पता हो, टर्मिनोलॉजीज पता हो और उसके बीच में उन इमामों के अगर उन उसूलों में कोई इख्तलाफ भी है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी और उसको ये पता हो, कम से कम ये जानना जरूरी हो कि भाई किस तरीके से ये मैकेनिज्म शरीयत के बैक एंड मैकेनिज्म्स कैसे काम कर रहे होते हैं। तो आपका ये सवाल था कि हमने लिया कहाँ से, हमने इसको अपने कोर्स मटेरियल के अंदर हमने क्या इन सब किताबों से लिया है? जी तो हमने इन्हीं किताबों से लिया है, हमको इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकते ना कि भाजन ये हमने ही उसूल फिक्र बना लिए, नाउज़ बिल्ला, ये तो जो है यानी हमारे अपना कोर्स हमने मटेरियल जो है इनमें से निकाल के एक बुकलेट फॉर्म में, और एक तरीके से ये एक तहसीर मुस्तलाहुल फिक्र ही कहलाएगी, तहसीर मुस्तलाहुल फिक्र की मुस्तलाह है ये, यानी ये आपको सिर्फ टर्म्स खोले जाएंगे, उस टर्म्स की डेप्थ जो है वो कोशिश भी करेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो आप टर्म एप्लीकेशन भी बताएंगे, लेकिन कम से कम आपको ये पता तो चले कि जो 70-80 टर्मिनोलॉजीज चल रही होती हैं, हुक्म क्या है, माकूम फी क्या है, हाकिम क्या है, माकूम अलैह क्या है, आपका उर्फ क्या है, आपका कुरान क्या है, हदीस क्या है, आपका इजमा क्या है, क्यास क्या है, इस्तेहसान क्या है, इस्तसहाब क्या है, मसलियत मुरसला क्या है, आपकी जो है ये बला अल्लाह कौले सहाबी की क्या है, शरा मिन कबलिना क्या है, इक्तज़ाउन नस क्या है, दलालतुन नस क्या है, इशारतुन नस क्या है, आम मुफस्सर मुश्तरक और ये आपका जो मुतलक है, मुकय्यद है, मुजमल है, मोकम है, बयान है, ये तो सब पता चले ना कि ये टर्म्स क्या हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो मैकेनिज्म जिस पर उलमा ने अब टर्म्स बना के इनको उसूलों की शक्ल दे दी है जो ऑलरेडी शरीयत पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली डिकोड नहीं कर सकते इसलिए बुक्स अलहदा से आ चुकी हैं, तो कम से कम आपका एक कैनवस ड्रॉ हो जाएगा कि भाई ये है, उसका हायर मैग्निफाइड वर्जन आगे के 2 सालों के अंदर अप्लाई करते हुए भी आएगा और इस साल भी आएगा इंशाल्लाह ताला।
सोलह फेक पे तो काफी बात हो गई, मेरे ख्याल से आइडिया हो ही गया होगा कोर्स व्हाट इज इट आपका भी ये अबाउट। फेवरेट सब्जेक्ट इसके है, बाद मेरा जो है भी ये पेशा से आपका भी ये फेवरेट जी, सब्जेक्ट रहा है, मेरा इस भी ये बार इंशाल्लाह फेवरेट ये कोर्स मैं सब्जेक्ट। पढ़ा रहा हूँ, चले अल्लाह इस ताला बार इंशाल्लाह मैं पढ़ा रहा आपको हूँ। आप अपने कोर्स के बारे में बताएं, अकीदा जो आप इंशाल्लाह पढ़ाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, लोग सुनना चाहते हैं कि आप इस कोर्स में क्या पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर देखें, में। असल के अंदर जो है ना अल्लाह के बारे में जो ईमान है वो एक लेवल पर तो यही कहना काफी है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व कदरी खैरि शर्रि मिनल्लाह वल बासी बादल मौत। एक तरीके से तो आमनतु बिल्लाहि ये कहने से मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, ईमान की डेफिनेशन पूरी हो गई। मगर एकेडेमिक टेक्निकल सेंस के अंदर अल्लाह पर ईमान जो है मसला के पहले तो ये सब्जेक्ट है कि शरीयत में दो क्लासिफिकेशंस हैं, पहले नहीं करनी पड़ी थी लेकिन बाद में इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पहले वालों को समझ थी, बाद वालों को जब प्रॉब्लम आई तो फिर क्लासिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। एक शरीयत का वो सब्जेक्ट है जिसका दिल के साथ ताल्लुक है और उसका एब्स्ट्रैक्ट बिलीफ आपके बिलीफ सिस्टम्स के साथ ताल्लुक है और उसका ताल्लुक है दीन में एंटर होने का और उसके अंदर से दीन से निकलने का, मतलब क्वालिफाई इस्लाम में क्वालिफाई करने के लिए भी उस सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है और इस्लाम से डिसक्वालीफाई भी ये सब्जेक्ट कर देता है। वो है सब्जेक्ट आपका जिसके अंदर आपका अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब है पूरा, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखरत पर ईमान, कबर पर ईमान, मैशर पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, ये वो जो दिखता नहीं है और ये जो आसमान के ऊपर की और आखरत की और क्यामत की बातें, ये सारा ईमान कहलाता है, इसे हम अकीदा कहते हैं। अकीदे से मुराद आपका ये है कि वो सोच जिसके ऊपर आपकी बेसिक आइडियोलॉजी की गांठ बंधी हुई, अकीदा अकद से निकला, इससे मुराद है आपका द नॉट, मिन शर नफ्फासाति फिल उकद भी आता है, उकद या वहलुल उकदा तम मिन लिसानी, उकदा अकीदा से ने अकीदा उकदा या अकद या उकद से निकला है। इससे मुराद आपका ये कि आपका बेसिक माइंड फ्रेम आइडियोलॉजी का, इस्लामिक आइडियोलॉजी का बेसिक माइंड फ्रेम क्या है आपका जिसके ऊपर आप इस्लाम में क्वालिफाई करते हैं और फिर उसमें उस ईमान में एक्सेल करके फिर आप इखलास के आला दर्जे पे चले जाते हैं। तो ये भी पूरा कवर नहीं हो सकेगा इसमें, तो हम उसमें से जो अल्लाह पर ईमान है ना उसको फिर बड़े स्कॉलर्स ने तीन में क्लासिफाई किया, एक अल्लाह को बहैसियत रब मानना है, एक अल्लाह को बहैसियत इलाह मानना है, हालांकि इलाह भी अल्लाह है रब भी अल्लाह है, मगर एक अरेबिक टेक्निकलिटीज के लिहाज से और कंसेप्चुअल लिहाज से अल्लाह को रब मानना एक डिफरेंट डोमेन है और अल्लाह को इलाह मानना एक डिफरेंट डोमेन है, इसलिए रुबूबियत एक अलहदा कॉन्सेप्ट है अल्लाह के साथ और उलूहियत एक अलहदा कॉन्सेप्ट है। तो जब हम एथियज्म को काउंटर कर रहे होते हैं जो बिल्कुल ही एक खालिक के डिनायर्स हैं तो हम रुबूबियत में ज्यादा पढ़ाते हैं उसको, लेकिन जब लोग मानते हैं कि कोई एक सुप्रीम पावर है, कोई सुप्रीम बींग है, मगर वो उसको अपने आप सबमिट नहीं करते, डिलीवर नहीं करते और उसके हुक्म और उसके कानून और उसके उसका जो इंसान को चलाने का जो एक निज़ाम है, एक पूरा निज़ाम है और उस फलसफे को जिसके तहत एक इंसान और एक जमात और एक सिस्टम आपस में अल्लाह की मुराद के मुताबिक इंटीग्रेट करेगा, उसमें उलूहियत आ जाती है कि अल्लाह को तो मानते थे मगर अल्लाह को इला नहीं मानते थे। इसलिए तो कुरान में आता है ना कि जब इनसे पूछो ना कि कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ध अम मन यमलिकुस समा वल अबसारा व मन युखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व मन युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अमर, अगर इनसे पूछो ना खालिक राज़िक मालिक हाकिम कौन है तो ये कहते हैं फसयकुलून अल्लाह, ये फट करके जवाब देंगे अल्लाह, लेकिन जब इनसे कहा जाता है अल्लाह को इला मानो तो वो कहते हैं अजाल आलिहतु इलाहुन वाहिद इन हाज़ा लशयउन उजाबुन, ये तो एक ताज्जुब भरी बात आपने कर दी और इन्ना भी आया है और फी आया इन्ना हादा लशयउन शयउन पे नाम भी आया और अजीब को उजाब कर दिया इन्होंने, तो या से अलिफ में गया है अजब ताज्जुब जो है तो इसमें भी मुबालगा है और एक तरीके से फी पे नाम लगाया इससे भी वजन आ गया और पीछे इन्ना लगा दिया तो प्योर ही इनकार कर दिया कि इलाह को एक करने और यूनिफाई करने में हमें अजीब ताज्जुब है, ये कैसे हो सकता है। तो वो रुबूबियत की तौहीद में तो शायद कायल थे, उसमें भी शिर्क करते थे, मगर वो उलूहियत की तौहीद के अंदर उनका असल मसला था, इसलिए कलिमा ला रब्बा इल्लल्लाह, ला खालिक इल्लल्लाह, ला मालिक इल्लल्लाह या ला ये नहीं आया, कलिमा आया आपका ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उलूहियत का एक एस्पेक्ट जो है कि वो सबमिशन रिलेटेड था और डिलीवरेंस और सर्विट्यूड रिलेटेड था, वो पढ़ाना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा क्या करते थे कि वो अल्लाह को मानते भी थे मगर तब भी अल्लाह ने एक्सेप्ट नहीं किया, और आज हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि क्या हम तो उस डोमेन में नहीं आ गए कि हम अल्लाह को मानते हुए भी वो गलती ना करते हैं जिससे उनका अल्लाह को मानना नलिफाई हुआ था, तो वो तौहीद उलूहियत। और सेकंड सेमेस्टर में आप अस्मा व सिफात पढ़ाते हैं तो एक तो अल्लाह का वो कॉन्सेप्ट है जहां पर आप अस्मा व सिफात में अर रहमान अर रहीम अल मलिक अल कुद्दूस
सलाम अल मोमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार पढ़ाते हैं, मगर हम उस जहद से अस्मा व सिफात भी पढ़ाना चाहेंगे जिसमें कुरान में अब दो दो सिफात अल्लाह की अगर एक साथ आती हैं तो क्या मतलब है उसको। कहीं अलीमुन समी समीउन अलीम आता है, कहीं कहीं समीउन अलीम आता है, कहीं अलीम के साथ कोई और सिफत होती है, तो इल्म हिल्म के साथ हो और इल्म समा के साथ हो तो क्या मुराद है इसको। इस तरह अस्मा व सिफात के अंदर और बहुत से सब्जेक्ट्स इसके अंदर आएंगे कि असल के अस्मा व सिफात के अंदर क्या हमने इसको जाहिर पे लेना है या इसको फिगरेटिवली लेना है, और ये मसाइल के ऊपर क्या सलफ में इख्तलाफ रहा है और क्या नहीं रहा है और क्या उनकी स्टांसेस थे, और इस अस्मा व सिफात की कमजोरी के अंदर ही अकीदे की असल कमजोरी है कि तवक्कुल ही नहीं करते हम उसके ऊपर। अल्लाह को अलकवी जानने के अंदर क्या ग्रिप होनी चाहिए अकीदे की, अल्लाह को अल अजीज मानने में क्या ग्रिप होनी चाहिए अकीदे के अंदर। तो ये सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास ही अस्मा व सिफात है, मुझे अब उलूहियत मिल रही है, इसके अंदर जो है उसके अंदर हम सबमिट करने के लिहाज से अल्लाह को जो एक असल सब्जेक्ट है कि अल्लाह को मानना तो आसान काम है, अल्लाह को सबमिट करना ना ये बहुत मुश्किल काम है। ये मैं भी शायद इसके अंदर पास होऊंगा नहीं होऊंगा आखिरत के दिन, इसमें कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रिंसिपल्स जानना बहुत जरूरी है कि मक्के वाले भी कहते थे फसा यकूलुन अल्लाह ले यकूलुन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। ठीक 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 चले, मैं आपसे दो बताए ना, मुझसे तो सारे सवाल आप कर रहे हैं, आप भी बताएं आप क्या करेंगे, आपका क्या फलसफा है सफा को लेके कोर्सेज को लेके। मैं देखिए लोगों को बताते चले, मेरे ख्याल से काफी सारे लोग जो है मेरे नए फॉलोअर्स हैं, इनको सफा के बारे में पता नहीं, पता कि सफा कोर्स जो है अराउंड 2013 में डेवलप किया आपने, 2012 में दिया, 13 में दिया था जी। तो सफा जो है शेख आदिल की एक थॉट थी, किस तरह हमने जो है वो इन लोगों को अपने अपने लोगों को यानी जो जिनसे हम बिलोंग करते हैं, जो लोग मदरसे नहीं गए, जो उन लोगों तक इस दरस जाने को लेके जाना है ताकि के अंदर मजीद इस्लाम को जो है वो एक बेहतर अंदाज में पेश कर सके, जो उसकी पूरी फिलॉसफी है। इसके बाद जो है मैंने जब शेख आदिल के पास में आया तो मेरी एज काफी छोटी थी, लेकिन जब मैं मिदार के साथ जब मैं इस सफा कोर्स के साथ जुड़ा तो मैं रिसर्च देखता था, तो इसके जितने भी नोट्स है, इस तरह सवाल किया किसी ने कि आप नोट्स कौन से जो है वो इसके अंदर पढ़ाएंगे, बुक्स कौन सी पढ़ाएंगे, तो हमने इसकी जितनी भी किताबें हैं उसूल फिक्र की तीन अगर किताबें हैं, अकीदे की कोई चार किताबें हैं, तो उसमें से जो मेन मेन एक्सट्रैक्ट्स थे जिसके अंदर वो किताबें डिफरेंट है, लेकिन दो किताबें एक ही सब्जेक्ट में जब लिखी जाती हैं तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट नहीं होती, उनके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो हमने इस तरीके से उन एक्सट्रैक्ट्स को जमा किया है कि कुछ हमने अलवजीज से ले लिया, कुछ अलवाजे से ले लिया, कुछ उसूल फिक्र पे एक नजर से ले लिया, कुछ बेसिक किताब से ले लिया, कुछ जरा हाई लेवल किताब से ले लिया, तो उसको एक ऐसे लेवल पे लेके आए कि उस्ताद उसके ऊपर जो है कलाम करके एक स्टूडेंट को समझा सके, कि उसके पास मीडियोकर लेवल की भी नॉलेज हो, थोड़ी एकेडमिक बेंच को भी समझ सकता हो, कुछ फतवों को भी समझ सकता हो। इसी तरह अकीदे के अंदर हमने किया है, इसी तरह हमने उसूल हदीस के अंदर किया है कि उसूल हदीस की जो बड़ी किताब है तदरीब उर रावी, अब वो तो हम पहले साल के अंदर नहीं पढ़ा सकते, उसकी जो इस्तलाहात ही समझ नहीं आएंगी, उसकी जो लैंग्वेज जो है वो एक आम आदमी समझ ही नहीं सकता, बल्कि जो अरबी जानता वो भी नहीं समझ सकता, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर वो लिखी होती है। लेकिन जो है उसकी एक बेसिक किताब है तहसीर मुस्तराल हदीस, उसके बाद जो है ऊपर लेवल की किताबें हैं, फिर उनसे जमा करके नुखबतुल फिकर है इमाम हजर रहमतुल्लाह की, उनको जो है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट जमा कर करके हमने जो है उसके नोट्स डेवलप किए हैं, और उस्ताद उसको एक ऐसे हमने नोट्स को इस तरह डेवलप किया, आप देखेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म्स के अंदर, वेन डायग्राम्स के अंदर, मैं एक मजाक समझते थे लोग कि मैं कहता भाई वेन डायग्राम से मैं ना उसूल फिक्र के नोट्स बनाऊंगा, यानी उन सारी चीजों को अकोमोडेट करूंगा इसके अंदर, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो इन सब चीजों को जानती है, तो उनको बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन के अंदर हम चीजें सिखाएं। तो इसीलिए किताबों को बैक वक्त लेके आना कोर्स के अंदर दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर मैं किताबों को लेके आऊंगा जो कि बड़ी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, तो इस तरह कंसाइज नहीं कर सकते और हम इस स्पीड से हम नहीं जा सकते और उस तरह हम प्रेजेंट नहीं कर सकते कि आम लोग उसको समझ सकें। उसके लिए उन किताबों का समझने के लिए बकायदा बेस बनानी पड़ती है, दो तीन साल मदरसे के अंदर
तो एक उस्ताद उन किताबों को कवर टू कवर लेके चलता है तो वो किताबें फिर उनको समझ आती है। तो बेसिकली जो मैंने अब एक जमाना था कि हम अभी हमें भी किताब ही पढ़ने का शौक है, असल इल्म किताब का होता है, साथ सामने बैठा हो शागिर्द ने किताब खोली और वो लंबे लंबे नुस्खे जो थे, वो जमाना ही इतना हसीन था और वही खूबसूरती थी, कुतुबखाने के जो वो भी मजे का था। लेकिन मसला है उनका टाइम कम है और हमारा असल टारगेट है कि हम कौम के लोगों को और हमारे कौम के प्रोफेशनल्स को और कौम की एजुकेटेड क्लास को और कौम के जो वो तबकात हैं जो इस टाइम पर अमली मैदानों में काम कर रहे हैं, हम उनको उस बेस के साथ इक्विप करके स्टांस आउट कर दें जिसके उनको पता चल जाए। हम ये दावा नहीं करते कि 2 साल में कोई बहुत बड़ा कोई पहलवान बन जाएगा वो इल्म का, लेकिन कम से कम एक तो शौक पड़ जाएगा, एक उसे आदत लग जाएगी पढ़ने की, एक उसका एक टारगेट बन जाएगा कि भाई लाइफ में जहाँ मैंने इतने करोड़ कमाने हैं, जहाँ मैंने इतने पैसे कमाने हैं, बच्चे करने हैं, शादी करनी है, फिर उनकी शादियाँ करनी है, मैंने अपने आप को इस इल्म में भी एक्सेल करके यहाँ से मेरे पास से करें ना करें किसी और के पास से कर लें, हम लोग कोई इस फील्ड के अंदर तो कम से कम हमारी कोई खिलाफत गिरी का कोई नारा नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ाई करें, बेस हमारे पास खुले, किसी और के पास खुले, यहाँ आके रवा कर लें, लेकिन जो टीचिंग टेक्निक्स हमारे पास थी उसमें हमने वाइट बोर्ड डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स और इसके साथ दीनी उलूम के कॉन्सेप्ट्स को खोलना ये आसान काम नहीं था, और इसमें मेरे ख्याल से अदील भाई ने उस्ताद अदील आरिफी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मैं भी साथ बैठता था, मैं भी हेल्प करता था, तो हमारे यहाँ पढ़ाने का जो तरीका है ना वो बहुत मैथमेटिकल भी है और बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो मतलब बड़ा अप टू द मार्क है। इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा आपको उस सिस्टम में जब हम आपके आगे चीज़ें खोलेंगे ना, आपके भी दिमाग के चारों तरफ रोशन होंगे कि भाई ये भी था, ये भी था, ये भी है, ये भी है, तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पे जो एक सवाल काफी रिपीट हो रहा है वो ये कि हम इस कोर्स को करने के बाद क्या मतलब क्या काबिलियत रखेंगे। अब इल्म जब हासिल होता है ना, इल्म जब हासिल होता है तो चुप लग जाती है, पहली बात तो ये है। तो जब आप पहला सेमेस्टर करेंगे ना तो आपको पहला तो एहसास होगा कि भाई मैं आपको चुप लग जाएगी। इल्म होता ही वो है जो चुप लगाता है। हमारे बड़े कहते थे बेटा इल्म वो होता है जो खामोश करता है इंसान को, वो इल्म जो फटफड़ 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 बोल रहा होता है ना वो बिल्कुल जो है ना उसकी कोई सती हैसियत होती है। तो जैसे आपको डेप्थ फील होगी, जैसे आपको फील होगा कि भाई ये हम आपको अभी लाने के लिए, आपको इनवाइट करने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत मजे की बातें कर रहे हैं और आपके लिए इंजॉयबल बना रहे हैं और होगा भी इंजॉयबल, लेकिन मीनवाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये खुद फील आ जाएगा कि भाई दुनिया जहां एरोनॉटिकल इंजीनियर 8 साल में बने, 8 साल का हो, 6 साल का कोर्स हो, MBA आपका 6 साल बाद होता है, 4 साल BBA का, तो इस बेचारे के साथ क्यों इतनी ज्यादती करनी। आप आए, आप बैठे, आप उसको देखें और फिर अपनी राय कायम करिएगा कि आगे क्या होगा। अभी आप ये जज ना करें ये सवाल के आगे क्या होगा, पहला सेमेस्टर क्या होगा, जॉब मिलेगी, पैसा। भाई आप आए, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। बहुत सी चीजें जो होती हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले भी जब यहाँ आके PC और मैरियट में आके अपना स्टॉल लगाते हैं तो वो आपको ये नहीं बता रहे होते 2 साल में क्या होगा, 3 फ्रेशमैन में क्या होगा, सॉफ्टमोर में क्या होता है, वो आगे बस इतना बेसिक रखते हैं कि भाई आपका एक इंटरेस्ट डिवेलप हो, आप बाहर उनके पास पढ़ने आए, उनके माहौल में ब्लेंड हो, आपको दुनिया जहाँ की डाइवर्स कम्युनिटी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छे साथ के साथ मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और उसकी ऑब्वियसली एप्लीकेशन भी है। बहरहाल दीन के साथ तो बड़ी ज्यादती हुई, किसने की, दीनदारों ने की या गैरों ने की, कि इसकी एप्लीकेशन को हम रियल टाइम में लेके नहीं गए और हमने इसकी एप्लीकेशन सिर्फ नमाज और जो है वो जनाजा और निकाह और इसके साथ ही जो है खास करके रख दिया। हालांकि दीन तो हर डोमेन में अपनी एडवाइस दे रहा है और हर डोमेन में अपनी एडवाइजरी दे सकता है, रियासत चलानी हो, मुल्क चलाना हो, दुनिया चलानी हो, दीन ही उसूल देता है, और कौन से उसूल। इब्ने मसूद का कॉल है, दीन हो दुनिया हो सारे उसूल शरीयत ने देने होते हैं। तो कहने का मतलब ये बाद में खुलेंगी बातें, आप खुद फैसला करिएगा एक सेमेस्टर में, यार मैं आगे लेके जाऊं ना लेके जाऊं। इसका सरप्राइज जवाब दे सकते हैं कि बंदा अगर एक फॉर अ पेरेंट ये एक कोर्स उनको पेरेंटिंग के अंदर गाइड कर देगा, जो बंदा प्रोफेशन में किसी है, कोई करियर अपना है उसका, इंजीनियरिंग का है, किसी और डिपार्ट का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का, उसको। देखिए सबसे पहली बात है, देखिए अभी ये किसी बहन ने यहाँ पर लिखा है कि सर इस कोर्स से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ये कोर्स हम आपको करा ही इसलिए रहे हैं कि आप जब इसमें आएंगे ना तो आप अपने अपने लेवल्स पे खुद उसको वाटर डाउन करके लोगों को पढ़ाएं। अब मैं किसी स्कूल का सिस्टम लूं या किसी गवर्नमेंट के इदारे के अंदर इसको अप्लाई करना चाहूं या पुलिस वालों को चाहूंगा कि जी पुलिस के बड़े लोग हमसे पढ़ने आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से आए, ब्यूरोक्रेसी से आए, मेडिकल डिपार्टमेंट से आए, डॉक्टर्स हैं, आप अपने हलकों में खुद काम करें। फलाउला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफा लियतफक्कहू फिद्दीन,
आपने अपने, लेकिन जब आप हमसे वो बेसिक उसूल सीखेंगे, क्योंकि मदरसे तो आप नहीं जा सकते, 8 साल तो आप नहीं लगा सकते, मुश्किल होगा आपके लिए, और उसमें भी फिर आपने वो टेंटरम बाजियां, फिर मिजाज, फिर मूड स्विंग, फिर उलमा के साथ आपकी अलाइनमेंट के ना, आपने चेंज होना है, वो तो एक अपनी एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, आपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। तो आपकी इन तकलीफों को न्यूटिलाइज करने के लिए या आपको उनके सिस्टम के साथ एक ब्रिज आउट करने के लिए हम हेल्प आउट कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा इसके बाद ये होगा कि आप अपने सिस्टम्स में वो जो पढ़ाया हुआ होगा उसको अपने लिहाज से अप्लाई करें। हमने आपको 30% खोल के दिया, आप उसे खुद पढ़ाएंगे, ये वरदा बहन ने जो लिखा है आपको खुद आ जाएगा अपने स्कूल के करिकुलम में। अगर आप, हाँ आप हमारी हेल्प लें, ऑब्वियसली हम इसमें 15 साल से खेलकूद कर रहे हैं, तब आपने इसको, अब लोगों ने इस्लामिक स्कूल खोलने को पता ही नहीं है उसूल, देखें 10 साल की स्कूलिंग के अंदर ठीक है उसको एथिक्स पढ़ा दिया आपने, उसको आपने तजवीद करा दी, आपने उसको नाजरा कुरान पढ़ा दिया, और भाई उसको जब उसूल फिक ही नहीं आती, उसे उसूल हदीस ही नहीं आती, उसे ना सर्व उस लिहाज से आए नहीं, आपने अरबी तो तकल्लुम पे लोगों का बहुत ज्यादा जोर है कि जी अरबी बोलचाल आनी चाहिए, तो अरबी जो असल कुरान खोलने के लिए जो नाव चाहिए होती है, जो उसकी सर्फ चाहिए होती है कि भाई मजीद फी के अबवाब का क्या खासा होता है और मुजर्रद का क्या खासा होता है। अब देखें जहाबा का मतलब तो होता है गया, जहाब अल्लाहू का मतलब होना चाहिए अल्लाह गया, तो जहाब अल्लाहू बिनूरिम का तर्जमा किया जाता है अल्लाह उनका नूर ले गया, तो जहाबा जो है ये पैसे से एक्टिव है ना मेरे ख्याल से अदील जी, जी। पैसे मुतादी, मुतादी का जो मसला है कि जहाबा जब बा के साथ आता है तो मुतादी मीनिंग में जाए तो गया ले गया के मीनिंग में चला जाता है। ये क्या, यही तो हमारा इश्क है, यही तो हमारे अंदर का एक वो जज्बा है कि यार क्या बात है यार, ये नशा होना चाहिए इंसान को कि यार मैं ये सीखूं। हमने तो दुनिया जहां का इल्म जहां भी जाके पढ़ा भाई, जब हम मदरसे में जाके जब ये चीजें खुली तो ग्रेटनेस और ग्रैंडियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि हम तो पागल हो गए कि यार ये सीखना, ये सीखना। जो बचपन से एक बात सुनी थी कि स्पेन के अंदर हमारी जो है लाइब्रेरी जो है वो जला के भाई थी, हम समझ आता है कि वो था क्या। अभी भी आप अंदाजा लगा लें, अभी दुनिया में आप अपने करिकुलम, हम कहते हैं भाई आप अपने 10 साल के करिकुलम में स्कूलों में उसूल फेक, उसूल हदीस, नाव सर, मानी मंतिक, बयान, बलागत वगैरह, फिका, ये कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आप वहां पर जब आप पढ़ा नहीं सका। उसमें ये मसला है कि जी सारे मसलकों को कैसे केटर करना, तो वो भी देखा जा सकता है। आप कम से कम उसूल तो रख दें, उसूल की एप्लीकेशन का जब वक्त आएगा तो उसके अंदर सब्जेक्टिविटी रख लेंगे, उस वक्त तक वो मेच्योर हो चुका होगा। हम लोगों को हमारा एक गुड मुस्लिम सिलेबस। अब भाई प्रोडक्टिव मुस्लिम सिलेबस क्यों नहीं बना रहे आप, टेक्निकल मुस्लिम सिलेबस क्यों नहीं बना रहे आप, आप एक आलिम क्यों नहीं तैयार कर सकते जो पूरी सिस्टम की कायनात की कॉस्मोलॉजी से लेके कायनात के उसूलों और कवायद और मैक्रोज और माइक्रोज को सामने रख के शरीयत के फहम से बात करता है, वो क्यों नहीं आप स्कूल में तैयार कर सकते। आपका करिकुलम रह जाता कि यहां से कुछ ले लिया, तीसवें पारे की आपने ट्रांसलेशन रख ली, ये कर लिया, ठीक है अपनी जगह पर है, मगर आप तफसीर का एक वो क्यों नहीं आप 4 साल में पूरे कुरान की उस तरह तफसीर करा सकते हैं या 5 साल के अंदर, जिसमें हैवी लेवल का इंजन चले और साथ में मैथ साइंस फिजिक्स भी, ओ लेवल जो या मैट्रिक हो वो तो 9th-10th में उसका कोर्स पढ़ना है, 8 साल इनको हमारे उसमें है ही नहीं है इसको, तो इसको पढ़ने के बाद आप इसको, मेरे कितने शागिर्द हैं वो स्कूल चला रहे हैं आज अपने, तो वो जो पढ़ा हुआ है सफा के अंदर वो इसमें से वॉटर डाउन करके कट डाउन करके अपने चला रहे हैं वहां पर। तो ये क्या कह रहे हैं, 8 साल को 5 में कन्वर्ट किया जा सकता है, हम कहते हैं किया भी जा सकता होगा तो वो 5 साल फुल फ्लेज ही होगा ना, मतलब 8 subjects a day तो करेंगे ना, ताहिर भाई ने ये सवाल किया यहाँ पर, तो 5 साल में भी अगर करेंगे, और बहुत से मदारिस ने किया, लेकिन इस तरीके से एग्जीक्यूटिव बहुत मुश्किल होगा कि हम उसमें पूरी पूरी किताब कवर टू कवर कैसे कवर करेंगे आप, उसके अंदर टाइम ही नहीं है। 9,700 से 10,000 घंटे का सिलेबस, अगर आप 5,000 घंटे का भी करेंगे तो 5,000 घंटे जो है वो तो 5 days a week कंज्यूम करेगा। तो इस मॉडल के अंदर हमारा बहुत स्ट्रगल रहा है हमेशा से कि हम आपको क्लोज टू समथिंग लेके आए, और इंशाल्लाह उसके साथ उसमें हमारी बहुत मेहनत लगेगी, हमारी बहुत जान खपेगी कि हम 30 examples जो हम 5 साल में पढ़ते हैं उसको 2 example में आपका वो पोटेंशियल बिल्ड करना चाहे, तो उसमें उस्तादों का जोर बहुत लगना है। तो इंशाल्लाह इसको ट्राई किया जाए, आप देखें आपको बहुत चेंज महसूस होगा, ये एक इंकलाबी चीज है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी इस तरीके से। ठीक, अच्छा आपने इतनी टेक्निकल थोड़ी सी बातें कर दी, लोग कंफ्यूज हो गए, लोग कह रहे हैं मुझे अभी बेसिक नहीं आती तो मैं एक कोर्स ज्वाइन कर सकता हूं नहीं कर सकता, तो उनको क्लैरिफाई। आपको ये हैरत की बात वैसे यही है, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना ये बेसिक ही है, बुरा नहीं मानिएगा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, ये बेसिक बातें हैं। अभी जितने भी उलमा मुझे सुन रहे होंगे ना तो वो ये कह रहे होंगे कि ये बेसिक ही बातें चल रही हैं, अगर हम डेप्थ में जाके खोलेंगे ना तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कुरान की जो आयत है
ये आपकी वुजू वाली, या यो लजीन आमनु इज़ा कुमतुम इला सलाती फक्सिलु वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहु बिरउसिकुम। अब ये मसे के साथ जो रऊस के ऊपर बाल लगी हुई है ना, इस पे इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दोनों का जो इख्तलाफ पढ़ने का मजा है ना, उस पे दिमाग घूम जाएगा आपको कि बा कहीं कह रहा है बास की मीनिंग में, बा कोई कह रहा है मुतादी है, बा कोई कह रहा है जो है ये मुतलक है, ये तो दिमाग ही घूम जाएगा आपका, उसमें फिर आपको इंजॉयमेंट के। तो ये बेसिक बातें ही चल रही हैं अभी अलमिया, ये है कि हमें बेसिक भी नहीं आती मदरसे के क्लास वन का बच्चा जो जानता होता है। तो ये जितनी भी टर्म्स आपको टफ लग रही है यही तो पढ़ानी है हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, यही तो दिमाग खोलना है हमने आपका कि भाई देखेंगे वो इंशाल्लाह समझ जाएगा हम जो समझाएंगे। हाँ आप भी, मैं थोड़ा थोड़ा अदील भाई न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जरूर आएगा। और अगर नहीं भी आएगा तो कहते हैं ना कुरान पढ़ते हुए जब एक एक लफ्ज पे इंसान अटकता है ना और अड़ता है वो ज़ाद निकालने के लिए, सा निकालने के लिए, रौ निकाल, अल्लाह उस पर भी नेकियां देता है। तो जब आप ये इल्म पढ़ रहे होंगे और जब दिमाग जो है वो उस पे जब अटकेगा ना और जब चीज नहीं भी समझ आएगी तो इसके नहीं, इस दुनिया का इल्म पढ़ते हुए नहीं समझेंगे ना तो ये तो दावा करना मुश्किल है कि नेकी है या नहीं। कुरान हदीस पढ़ते हुए अटकेंगे ना तो भाईजान नेकी ही नेकी होगी, उस पर भी अल्लाह अजर देगा। दुनिया के इल्म के हम खिलाफ नहीं है, हम वैसे उसको प्रमोट बहुत करते हैं। कुछ कुछ एक बिल्कुल बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो भी क्लियर करते जाऊं ताकि वो कंफ्यूजन दूर होते जाए। क्लासेस अगर आपकी मिस हो जाए तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट की जाएंगी तो आप उसको इंशाल्लाह कैचअप कर सकते हैं। बाकी हमारे हर क्लास के टीएस होते हैं, टीचर असिस्टेंट होते हैं, वो आपको जो है मजीद असिस्टेंस दे सकते हैं। अगर आपको किसी चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं ताकि पूरी टीम इनके साथ बैठी होगी, पूरी फैमिली बैठी है हमारी इनको हेल्प करने के लिए, मैं भी थोड़ी छोड़ देंगे किसी को। नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, टाइमिंग्स जो है बड़ी फीजिबल है फैमिली वालों के लिए भी, शाम के टाइमिंग्स है, बीच में ब्रेक है ताकि आप खाना वाना भी खा। ये देखे ना अभी नुमान शाहिद ने अच्छा सवाल पूछा, 2 साल के बाद कोर्स है भाई, 2 साल के बाद है खुतबा, फिर कुदवा के बाद अभी हमारा अभी कुदवा के अंदर 3 बैचेस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा अभी एंट्री कर देगा अपनी, तो 4 बैचेस कुदवा के हो चुके हैं और 12 से 14 तो 16 बैच हो गए मेरे ख्याल से सफा के। अब वो वाला जो बैच है कुदवा का वो अब आगे जाएगा नुखबा के अंदर और फिर जरबा, हमने ये 2-2 साल के 4 को हमने 8 साल के ये 2-2 साल के एग्जीक्यूटिव रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से लेके चले हैं अब कुदवा के अंदर से नया मतलब 5th ईयर एंट्री होने वाली है फर्स्ट टाइम इस साल में या अगले साल के करीब करीब हम कर जाएंगे, तो आगे 2 साल का रेडी पड़ा हुआ है आपके लिए। फिर अगले कुदवा के बाद हम मौका दे देते हैं कि आप सफा में पढ़ा सकते हैं जी, काबिल हो जाते हैं कि आप सफा में के बाद तक आप काबिल हो जाएंगे कि आप यहीं पढ़ाएं। आप अगर इतने काबिल हो चुके हैं तो आप मिदरार पे आ जाएं, हम ही आपको नौकरी पे रख लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी टीचर्स के बताते चलूं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको उस्ताद वकील पढ़ाएंगे, उस्ताद वकील जो है वो गालिबन सूर हदीस पढ़ाएंगे और जो है शेख कारी सलमान अजीज जो है जो हमारे उस्ताद हैं वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपका फिकु सला, और उस्ताद अरसलान जो है वो आपको अरबिक पढ़ाएंगे। यहाँ पे बात कीजिए अरबिक जो है वो इससे कुरान की अरबिक भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो हमारा अरबिक का कॉन्सेप्ट है इस कोर्स के अंदर वो है असल में अरबी किताबें पढ़ना, क्योंकि अगर आप यहाँ से 150 साल पहले या 100 साल पहले के सिलेबस पे चले जाएं अपने दरस निजामी के या कुरान हदीस के तो आपको सारी किताबें या फारसी में मिलेंगी या अरबी में मिलेंगी, तो या फारसी सीख लें आप या फिर अरबी सीख लें, फारसी भी 200 साल बाद जो है वेंट हो जाएगी तो आपको अरबी ही सीखनी पड़ेगी। अगर आपने असल इल्म के जो जो सोर्स है उससे अगर आपने इल्म अखज करना है, क्योंकि सारी किताबें जो है वो अरबिक में होंगी, तो उसमें जेर जबर पेश के बगैर तरकीबात करके उसको सॉल्व किस तरह करना है तो सफ़ा उस पर फोकस करता है। जहां तक कुरानिक अरबिक के हवाले से है वो तो एक बेसिक कोर्स है 15 घंटे का, कुरानिक एप्लीकेटिव अरबिक मैं ही कराता हूँ तो इंशाल्लाह वो उसके अंदर कवर हो जाएगा। और वो सफ़ा वालों का अदीद भाई आप उसूल हदीस के ऊपर बात नहीं कर रहे, क्या हो गया आपको? उसूल हदीस के ऊपर, उसूल हदीस के ऊपर बात कर लेते हैं, मसले की बात नहीं, मैं बस देखा अभी है टाइम है 15-20 मिनट नहीं लोग बैठे हुए इंशाल्लाह भी नमाज का वक्त में आधा घंटा है। आप उसूल तफसीर पे आपने बात नहीं की, आपने उसूल अकीदे पे तो आप ले गए, आप उसूल हदीस पे क्यों नहीं आ रहे? उसूल हदीस देखे, उसूल हदीस का मतलब जो है ना वो है हदीस के उसूल, हदीस को जांचने और जो है हदीस को कलेक्ट करने, हदीस को कंपाइल करने, हदीस से अखस करने, हदीस से इस्तदलाल करने के उसूल क्या है, ये पूरी उसूल हदीस होती है। इस कोर्स में हम स्टार्ट लेते हैं जी, हदीस जो है वो एक वही है,
या नहीं है, इस पे हम बात करते हैं। अब कुछ मार्शल के अंदर, अनिल भाई आप इतना हल्का क्यों आ रहे हैं, आप खुल के बोले ना। जो लोग कहते हैं कि हदीस वही नहीं है, जो लोगों का ये दावा है कि हदीस जो है वो कुरान की तरह वही नहीं है, और इसको कोई कह देता है कि ये तारीख है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है, या कोई कहता है ये इंकार हदीस की जो शक्ल आज मौजूद है हमारे यहाँ, भाई हम आपको उसमें हदीस बताएंगे। ये जो कह रहे हैं जी हदीस 200 साल बाद आई है, कुरान उस वक्त कलेक्ट हो गया है, कुरान कती है, हदीस जो है उसके अंदर किसी लिहाज से जन हो सकता है, ये सारी बातें जो चलती हैं, जो टेक्निकल तरीके से लोग कुरान और हदीस के बीच में तफरीक करते हैं कि भाई ये भी अल्लाह की वही है, वो भी अल्लाह की वही है, और पूरे कुरान की असल तशरीह ही हदीस है। कुरान के जेनेरिक फॉर्मेट को, इनडेफिनेट फॉर्मेट को डेफिनेट करती है, खास करती है, हदीस करती है। तो हदीस जिसने हमला करना होता है वो कुरान पे हमला नहीं करता, वो हदीस पे करेगा, वो हदीस पे हमला करेगा, वो हदीस को वल्नरेबल साबित करने की कोशिश करेगा, वो हदीस में से कीड़े निकालने की कोशिश करेगा। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जी ये मसला है, इसमें सही भी होती है, ज़ईफ भी होती है, उसूल पता नहीं कहां से आ गया। ये हदीस तो मुझे, ये तो हदीस मेरी अकल में समझ नहीं आती। ये अकल हदीस पे क्या वही अकल से मुकदम होगी या अकल मुकदम की जाएगी, अकल को खाते में रखना भी है या नहीं, ये सारे मजे के मसले हैं ना भाई जान। तो इस पर खुद खुल के हम इसको पब्लिक में इसलिए डिस्कशन में नहीं लेके आते क्योंकि भाई जब एकेडेमिक चीजें एकेडेमिक क्लासेस में होनी चाहिए, उसे कंट्रोवर्शियल बना के बाहर अगर लोगों को डिस्टर्ब करना है तो ये मकसद तो हमारा कभी भी नहीं। अहले इल्म ने इल्म पढ़ाया है इल्म की शान के लिए। इल्म अगर लोगों से लड़ाई झगड़े, उलमा को रद्द करना, उनकी तजलील करना, लोगों पर भरमबाजी करना, उनको जलील करना, इल्म इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। इल्म तो होता है जानने के लिए कि भाई 1400 साल की लेगेसी है इन प्रिंसिपल्स की, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया हर दौर के एक शह सवार में इल्म के 700 साल। बल्कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर इख्तलाफ हो भी रहे तो उसमें लड़ने की क्या जरूरत है। इमाम शाफी का कॉल है ना, अगर मैं और आप इख्तलाफ नहीं कर रहे तो हम भाई क्यों रह सकते भाई। बिल्कुल तो मैंने कल स्टेटस भी डाल दिया था कि भाई अगर आपकी राय अलग है तो उसको बोलूंगा अलग है, राय गलत नहीं है, गलत और अलग में फर्क होता है। तो इस तरह अलग और अलग में फर्क होता है जी। इस तरह एक फिर फसाद की तो हमारे इंशाल्लाह कोर्स से कोई फसादी एलिमेंट नहीं है, ना हम किसी को इंस्टिगेट करते हैं, ना हम किसी को जो है जिज करते हैं कि जी वो मेरे मौकफ पे आ जाए, या वो सारे दुनिया के अंदर मौकफ जो है गलत है, सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। इस तरह करके सर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी ये हाँ भाई कर सकते हैं। बारहवीं में जाके कमर्शियल ज्योग्राफी और जो है हिस्ट्री और ऐसी ऐसी उर्दू की शायरियां पढ़ रहे हो भाईजान, तो बारहवीं बचपन से पढ़ना चाहिए था ये। बारहवीं तो बहुत वक्त गुजर गया। ज्वाइनिंग करें भाईजान, अरसल अहमद को मुबारकबाद देते हैं फॉर रजिस्टरिंग। अरसल अल्लाह ताला तुम्हें बस एक हमें जरिया बनाए तुम्हें आगे जाने का, तुम हमारे ही कंधों पे चढ़ के और बड़े जितना कर ये खुश नसीब स्टूडेंट्स हैं, इनको शेख आदिल डायरेक्ट वेलकम कर रहे हैं फर्स्ट। हां नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। आप पेपर्स के बारे में यूसरा पूछ रही है कि पेपर्स बता दें प्लीज, मैं ऑनलाइन करेंगे पूरा कोर्स। यार वैसे तो मजा था जब हमारी जगह पे लोग पढ़ने आते थे, साफ बात करो, हमें ये ऑनलाइन पढ़ाने का शौक नहीं है। ठीक है इसमें सहूलत है, लेकिन असल इल्म वही है भाई जो उस्ताद के सामने बैठ के उसके कदमों में बैठ के पढ़ने का इल्म का मजा है। सामने बराह रास्त उस्ताद को देखने का मजा है, उससे मोहब्बत करने का मजा है, उसके साथ दिल लगाने का मजा है, और उससे पढ़ने का मजा है। लेकिन अब ये आ गया है सेटअप, तो आपके लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह डेफिनेटली जितना अच्छा आपको पढ़ाया जा सके हमारी टीम, आपके ऑनलाइन पेपर्स भी हो जाएंगे, और उम्मीद है कि आप अल्लाह के नाम पे अल्लाह के नाम पे टेस्ट करें तो चीटिंग नहीं होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही 4 महीने के बाद एग्जाम्स होते हैं हमारे, और वो ऑनलाइन उस पे जो है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम वगैरह इम्तिहान ये फेल वगैरह से क्या घबराना बेटा, बिस्मिल्लाह करता है आदमी, शौक पालता है और जब क्लास में आके हाँ जी जो क्लास में मौजूद है बस काफी है इंशाल्लाह। इल्म तो उसने हासिल कर लिया, अब एग्जाम देंगे तो वैसे भी एक दिन पे किसी की परफॉर्मेंस। अब्दुल वकील एजाजी को मैं कहूंगा, अब्दुल वकील एजाजी भाई अपने पैसों पर और अपनी मेहनतों पर और अपने खून जिगरे पे जब इदारे चलाने पड़ते हैं ना, तो फिर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होती। तो अपने वकार को कायम रखने के लिए जो हाथ यूं नहीं किया हुआ ना कौम के आगे, तो उसकी एक बड़ी एक मसला है कि फैसिलिटी तो हॉस्टल की हम कर सकते हैं किसी तरीके से, मगर यहाँ पर क्योंकि कराची एक बड़ा एक्सपेंसिव सिटी है,
अभी तो हम पंजाब की तरफ रुख कर चुके हैं तकरीबन, और इंशाल्लाह अच्छी खबरें आने वाली हैं। हम पंजाब में भी अभी इंस्टीट्यूट खोलने के पूरे पूरे फुल फ्लेज प्रोग्राम में हैं। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। लेकिन भाई हर जगह के ऊपर ही लोग खर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे आइडियोलॉग्स और थिंक टैंक्स काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ वैसे हमारी सोच नहीं जाती। बाकी अगर किसी थिंकर को, एक बड़ी सोच वाले आदमी को इंटरेस्ट होगा तो बना देगा वो बड़ी यूनिवर्सिटी, एक बड़ा लेवल का हमारे लिए सेटअप। बाकी आई एम परसुइंग पीएचडी, आई वांट टू डू रिसर्च इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद इस्लामिक पर्सपेक्टिव, काइंडली गाइड मी हाउ विल दिस कोर्स हेल्प मी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को जरा खोलना भाई, क्या है ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस को थोड़ा सा फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव। तो हम वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मगर इस कोर्स के अंदर ये डायरेक्टली ये नहीं होगा। अगर आपने ये वाला करना है ना, तो फिर हमारा एग्जीक्यूटिव कोर्स आने वाला है, जिसके अंदर हम जो है ना इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स हो गए और इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म को पूरा जो है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो मैकेनिज्म है उसको हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अलाइन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कासिम भाई वो कोर्स ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये कोर्स भी अगर आप कर लेंगे ना, तो आपको कम से कम एक आइडिया हो जाएगा कि अरबी दुनिया के अंदर जो रिसर्च हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक पीएचडी का मकाला चाहिए था, थीसिस। तो बहरहाल ये अदील भाई ने माशाल्लाह, मैंने बोला यार कि इसके ऊपर मुझे कुछ आया तो नसूस चाहिए कि भाई डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई बड़ा काम हुआ हुआ या नहीं। तो कतर के अंदर अरबी के अंदर एक मकाला मौजूद था, वो माशाल्लाह से हमने उठाया, उससे अपना कुछ कर लिया। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, हाँ हाँ ये तो जबरदस्त है, मगर ये एग्जीक्यूटिव कोर्स में जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, सफा में भी है। अच्छा सफा में भी हो जाएगा, लेकिन ये तो एक जेहत है ना, आपको तो हम 50 जेहतों से आपकी इंडस्ट्री के अंदर बढ़ाने के लिए हेल्प आउट करेंगे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में एक माइंडसेट तो लेना है, और शरीयत का मिजाज कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो है वो वब तक ही बैन अज़ाले का सबीला, बीच का रास्ता अपनाओ, आवाज ना ऊंची करो। आप नमाज पढ़ते थे, किरात करते थे ना, तो वो लोग सीटियां बजाते थे, गालियां देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं ना ज्यादा आवाज ऊंची करो, ना इतनी पस्त कर दो कि वो बिल्कुल ही हावी हो जाए। वब तक ही मैंने जाली का सबीला, बीच का रास्ता अपना। अब ये मिडिल वे पे ये आयत को उसूल बना के ऐसी ऐसी जबरदस्त इसकी एप्लीकेशन सिखा सकते हैं ना कि दिमाग घूम जाएगा आपका, कहते यार ये भी उसूल मौजूद है। तो आई थिंक शरीयत के मिजाज को समझना, ये जुमला बड़ा गहरा है, शरीयत के मिजाज को इंटरप्रेट करना और समझना कि शरीयत चलती कैसे है, क्या चाहता है अल्लाह, किस तरह अल्लाह ने इस कायनात के निजाम को चलाया। असल में वही एक लॉग बुक है, एक लॉग फाइल है कि अल्लाह कैसे निजाम चलाता है। वही एक फुट, वही एक प्रिंट है आपका, एक मार्क है आपका कि अल्लाह कैसे निजाम चलाता है। तो दुनिया में सबसे आला निजाम अल्लाह चला रहा है इस टाइम पर पूरी कायनात का। तो क्या आप पूरी अपनी हुकूमतें और रियासतों चलाने का निजाम जो है, एक सिस्टम चलाने का निजाम जो है, वो क्यों नहीं उसके साथ अपना जो है वो रेप्लीकेबल करना चाह रहे, रिलायबली रेप्लीकेबल करके मिरर नहीं कर रहे कि वो दुनिया की परफेक्शन। गोरों ने और वेस्टर्नों ने लिया हमसे ही है, मगर ब्रांडिंग अपनी कर दी है, निजाम हमारे ही चल रहे हैं पीछे से पूरे। तो आई थिंक वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स फ्रॉम द शरिया। अच्छा यहाँ पे एक और सवाल, जी जी सवाल यहाँ पे आ रहा है बड़ा बेसिक सा कि भाई कोर्स में ज्वाइन तो कर लूं, मेरा रूटीन इतना टफ है, मैं उसके साथ कोई घर में पढ़ने के लिए तो होमवर्क्स वगैरह नहीं है आपके, घर में पढ़ने के लिए क्या नहीं है, होमवर्क्स वगैरह असाइनमेंट्स जो कि और चीजों को डिस्टर्ब करे मेरी क्लासेस तो लोग लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम अगर तू भाई नहीं भी होमवर्क कर सका या नहीं भी भाई तू साथ तो रहे ना। अब इसकी मिसाल देता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, बुखारी की हदीस है, वो जिक्र कर रहे थे अल्लाह का, तो वहां पर फरिश्ते पर फ्लैप करना शुरू हो गए फरिश्ते, फिर वहां पर वो ऊपर गए अल्लाह के पास। लंबी हदीस है कि जी वो अल्लाह आपका जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ने कहा क्या वो जानते हैं किस चीज का जिक्र कर रहे थे, जन्नत की बात हो रही थी, जन्नत की बात हो रही थी वगैरह। वहां फरिश्तों ने कहा एक ऐसा आदमी भी बैठा हुआ था जिसका लेना देना नहीं था, बस वैसे ही उनके बराबर बैठा हुआ था। अल्लाह ने कहा इसको भी माफ कर दे, उनको भी माफ कर दे। तो भाईजान आप एक सिस्टम के साथ जुड़े होंगे, क्या पता आपको अपने काम की कोई चीज मिल जाए, होमवर्क असाइनमेंट हो ना हो। आप असल में हम ये दीन क्यों पढ़ा रहे हैं, डिग्रियों के लिए, हम ये कोर्स क्यों करा रहे हैं, डिग्रियों के लिए। और भाई इसको अप्लाई करके अपनी जिंदगी में इमामत हासिल करनी है, लीडरशिप के मकाम पे पहुंचना है, इबादत की एक मिराज पे पहुंचना है, महज सिर्फ रट्टा तोता थोड़ी खड़ा करना है। तो अगर तुम एप्लीकेटिव करने के काबिल हो जाते हो इसके तहत, देन व्हाट डज इट मैटर, व्हाई डज इट मैटर कि तू अगर पास भी हो रहा है। एक सेंस तो खुल गया ना एक कौम का, एक मिजाज ही। अब शरीयत में एक जगह लिखा है कि जो है ना, शरीयत में एक जगह पे लिखा हुआ है
कि अगर कोई बेढंगा फजूल फारक किस्म का आदमी जो है ना आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो क्या करो, वैसा खातब हो मैं जाहिर उनका सलामा सलाम करो, आगे से न्यूट्रलाइज करके निकलो, मुंह ना लगो। मगर एक जगह अल्लाह कहता है जजाओ सैयद बिमिस लिया, कभी कभी जितना उसने दिया होता है उतना ईवल उसको वापस देना पड़ता है उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो ये शरीयत के मिजाज को समझना है कि शरीयत में अल्लाह ने कायनात कैसे चलाई है, तो वो भी काफी है। डरना क्या यार, एग्जाम है, पेपर है वगैरह, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करे आदमी, डरना किस बात। अच्छा एक और चीज जो है लोगों को जो ज्यादा इखलास के बारे में और इल्म पे अमल करने के हवाले से डिस्टर्ब कर रही है, वो ये कि कहीं इतना इल्म हासिल ना कर लो कि मुझ पे वबाल बन जाए। भाई आप मुझे 24 घंटे सुनना चाहते हैं, मैं अल्लाह के बंदे मैं थक जाऊंगा, मैं वैसे ही थक गया हूँ लाइफ में, 24 घंटे आप वीडियो सुन लिया करें मेरे। जी अदील भाई अपनी बात करें, माजरा चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ लोग जो है वो डिस्टर्ब है इस हवाले से, कह रहे हैं कि इतना इल्म हासिल ना कर ले जिस पे अमल ही ना कर सके तो कल को बवाल बन जाए। भाई जान इतना इल्म हासिल करें ना करें, उसूल तो हासिल करें ना, उसूल पक्का होगा तो अमल के अंदर बेहतरी आ सकती, अमल में कम और ज्यादती भी एक उसूल के तहत हो रही है। ये भी एक उसूल ही बताया आपने कि ज्यादा इल्म पढ़ लिया तो अमल नहीं हो सका, इसी उसूल को तोड़ने के लिए एक और उसूल तो खड़ा हुआ है कि बिल्कुल भी इल्म नहीं पढ़ना भी जो है ना इंसान को शैतान बना देता है, दोनों इफ़राद तो फ्री है। कितना कितना पेसिमिज्म है, कितनी हम जो है बदगुमानी करते हैं अपने हिसाब से कि मैं इल्म इसलिए पढ़ा मैं अमल नहीं कर पाऊं, क्यों नहीं अमल कर पाऊंगा, हो सकता है ये स्टडी वाले पढ़ने की। जब पहले ही नियत नहीं होगी तो क्या अमल करना उसके ऊपर, पहली बात यहाँ पर यह है। मैं कहता हूं अगर अमल ना भी होना, इस पर भी हदीस है कि एक आदमी का अगर अमल नहीं भी है मगर उसके अंदर उसूल है जिससे कौम को फायदा हो सकता है तो शरीयत तो इसको भी अकोमोडेट कर लेगी। इसकी दलील वो नहीं है कि वो एक जमीन है जिसमें अल्लाह ताला दीन की मदद तो एक फासिक फाजिर से भी ले लेता, ये भी हदीस है बुखारी की मेरे ख्याल से। तो ये कहना कि यार मैं अमल नहीं कर सका तो मैं इल्म नहीं, अबे क्या पता तेरे इल्म से अल्लाह किसी को क्या कहते हैं ना रुब्बा हाज, क्या है रुब्बा हामिल अल फक्र, कि जिसने कभी 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 बयान करने वाले के आगे उससे बड़ा आदमी बैठा होता है उसको फायदा हो जाता है उस इल्म से, तो हासिल क्यों नहीं करना। सुनाने वाला कम फकी होता है सुनने वाले से, तो आप सुना दो बल्ले को अन्य वालों आया बल्ले को अन्य वालों सुनने वाला सुनने वाला ज्यादा फकी होता है। ये वाली हदीस सुनोगे ना मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है जो फक्के हो फिक देता है उसे उसूल फिक फिक देता है गहराई देता है उसको दीन की समझ बूझ की क्या डायनामिक्स हैं शरीयत के। अच्छा शेख साहब मेरे ख्याल से अब एक गुड गुड आफ्टर दिस कोर्स नॉन मुस्लिम के साथ कॉन्फिडेंस दलाइल से दे सकते हैं इंशाल्लाह। अकीदे के कोर्स के अंदर आए सीख लेंगे आप ये इंशाल्लाह, अकीदे के कोर्स में आपको आ जाएगा नॉन मुस्लिम को कैसे मुंह देते हैं आपको। आज सबसे ज्यादा जरूरत है दुनिया को यह साबित करने की जरूरत है कि भाई इस्लाम जो है ना दुनिया की सबसे ज्यादा इन डेप्थ प्रोफाउंड टेक्निकल स्ट्रेटेजिकल किस्म का दीन है, किसी जगह पर कोई बेढंगापन नहीं मिल सकता, एन फितरत और नेचुरल डिजाइन के मुताबिक है, और इसको सिर्फ मुंह से हांकने की नहीं इसको प्रूव करने की जरूरत है कि देख लें भाई नेचुरल फितरत के मुताबिक। देखें अल्लाह कुरान में कहता है वफिल किसासी हयातुन या उलिल अल्बाब, ऐ समझदार लोगों बदला इंसान को जिंदगी देता है। अब अगर आप कहें जी एक गाल पे थप्पड़ मारा जी दूसरा आगे रख दो, ये दीन नहीं है, ये हर जगह दीन नहीं है, कहीं तो हो सकता है ये, मगर ईसाइयत में लिखा हुआ है कि भाई एक जगह व्हेन समबडी हिट्स ऑन वन स्टिक दूसरा भी आगे कर दें, ये कौन सी ये फितरत के खिलाफ है, ये फितरत के खिलाफ है कि कोई मुझे मारे और मैं मार खा जाऊं, और ये भी फितरत के खिलाफ है कि कोई मुझे मारे मैं हर वक्त ही मारता रहूं सब्जेक्ट टू द सिचुएशन। लेकिन अल्लाह कुरान बदला इंसान की फितरत को रिलैक्स करेगा, उसको जिंदगी देगा, उसको उसका हक मिलेगा। तो हम कहें जी बदला ही लेना बंद कर दें, हम कोई पैडी कर दे किसी के साथ हम बदला ही ना लें आगे से, ये नहीं हो सकता। आप हमें एक ऐसा इंसान मत, और बदलेबाज भी हर वक्त रहना इससे मुराद ये नहीं है के साथ से मुराद है इंसाफ मिलना के जो ज्यादती हुई है वो कॉम्पनसेट करे, या हुकूमत कॉम्पनसेट करे, या नेक्स्ट पार्टी करे, या द, 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 कोई ना कोई सिस्टम का लॉस कॉम्पनसेट करेगा, ये शरीयत का उसूल है। मगर हम लॉस को जाने दें, अकाउंटेबिलिटी ना लें, ऑडिट ना करें, ये शरीयत का उसूल नहीं। मिजाज समझो ना यार दीन का। मगर दुख की बात यह कि इन बातों के साथ शायद हम सोसाइटी में आए नहीं, इन टेक्निकलिटीज के साथ दीनदार प्रेजेंटेशन देते हैं नहीं देते हैं क्या हुआ है, तो इसके साथ लोग ये समझने लगे भी ये सारे उसूल बाहर वालों के पास है, ये जो ना ऊपर इन्होंने जितने काम किए ना पीछे जो बड़े बैठे हुए हैं
इनकी कोई शायद हैसियत ही नहीं है ना, उसे बिल्ला ऐसी बात नहीं है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज पे बात करें, इंशाल्लाह फिर हम सेशन को जो है वो रैप करते हैं और मगरिब का वक्त तकरीबन हो ही चुका है। तो मैंने जब इस पे इल्म के हवाले से काफी हदीसें सुनते हैं हम कि भाई इल्म की फजीलत ये है, एक आलम की फजीलत ये है, एक आलम की फजीलत एक उम्मत आम उम्मत की ऐसी है इस तरह सूरज की बाकी सितारों का। तो इन सारी मिसालों के बाद जो है, और फजीलत है समंदर की जो है वो मछलियाँ उसके लिए दुआ कर रही है, फरिश्ते जो है वो अपने पर पे बिछा रहे हैं उसके सफर के अंदर, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर रहा है, तो एक आलम कितना यूजफुल होगा कि अल्लाह ताला ने उसके लिए इतनी फजीलतें रखी हैं। एक तो इस लिहाज से कि उसके सीने में अल्लाह के दीन का इल्म है, लोगों की हिदायत है उसके सीने के अंदर, लेकिन आपको इससे क्या समझ आता है कि अल्लाह ताला ने इल्म की जो फजीलत रखी है एक आलम की, वो क्यों रखी है इतने, मतलब कि आम आदमी की आती है, क्या 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 बेनिफिट्स दे सकता है लोगों को, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के अंदर जिसके बिहाफ पे अल्लाह ताला ने उसकी इतनी कदर और कीमत रखी है, इतना ऑनर रखा। दुनिया मलूनतुन व मलूनतुन नाफिया वाली हदीस के साथ भी कि दुनिया के ऊपर लाना था और दुनिया में जो कुछ उसके ऊपर लाना था उसमें भी यही है कि वो जो इल्म पढ़ रहा है, दूसरा जो इल्म पढ़ा रहा है, और तीसरा जो इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। जैसे अब्दुल्ला बिन मुबारक का भी है कि तुम तीन में से बनना चौथा कुछ नहीं होता, या तो आलिम बन जाना या मुतअल्लिम बन जाना या फिर इन दोनों से मोहब्बत करने वाला बन जाना, चौथा कुछ नहीं। तीन ही लोग हैं दुनिया में, तीन ही लोग हैं, या इल्म पढ़ा रहे हैं, या इल्म पढ़ रहे हैं, या जो इनकी मदद कर रहा है और इनका इज्जत और एहतराम कर रहा है, और बाकी को तो उसको तो खाते में नहीं लेता। बहरहाल उसकी यूजफुलनेस अलहदा होगी, उसकी स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात अलहदा है। जहां तक बात है जी, कुरान कहता है हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म वाला और नॉन इल्म वाला बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब रुतबा दिया, इज्जत दी, शर्फ दिया और वो एहतराम और तकद्दुस दिया आसमानों पर के सबको का इल्म के आगे झुक जाएं, तो वहां भी कॉन्टेक्स्ट इल्म का है, वो अल्लामा आदम अलस्मा, अल्लामा आदम अलस्मा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, तो वहां भी अल्लामा युअल्लिम व तालीम इल्म का जिक्र हो रहा है। फरिश्तों ने जो अपना अपना एतराज किया आगे से, वो भी इल्म की बेसिस पे किया, और फिर अपना रुजू किया सुभान का ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना, इल्म का कॉन्टेक्स्ट अल्लाह ने भी इल्म की बात की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शुरुआत हुई, इक्रा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक़, इक्रा इल्म पढ़, आप पढ़े, इल्म की बात हो रही है, अल्लामा अल इंसान मा लम यअलम, इल्म की बात चल रही है वहां पर। इसी तरीके से नूह अलैहि सलाम की किश्ती चली, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के इल्म के साथ नूह अलैहि सलाम की किश्ती जुड़ी हुई है, तो अल्लाह के नाम के साथ शुरुआत होगी। कुरान की शुरुआत हो रही है अल्लाह की तारीफ के साथ हो रही है, तो हम्द और शुक्र में क्या फर्क है हमें पता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह में अल्हम्दुलिल्लाह का अलिफ लाम इस्तगराक का है, जिन्स का है, हमें पता ही नहीं है। हम तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, खास तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ये किस तरह तर्जुमा कर, पता ही नहीं है उसके अंदर। इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान में जब हुक्म दिया ना इल्म के हवाले से, पहला फालम जानो क्या अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह के इल्म से इब्तिदा करनी है। ये उम्मत है ही इल्म वाली, ये उम्मत थी इल्म वाली, ये उम्मत एकेडमिक उम्मत थी, इट वॉज ऑलवेज एन एकेडमिक नेशन, पता नहीं क्या हो गया कि हमारे किबले आगे पीछे हो चुके हैं, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये सारे सवाल जो भी आ रहे हैं इसको साइड में करें, यू हैव टू आज नहीं तो कल इस जो इस कश्ती, इमाम शाफी कहते हैं ना कि अगर ये हुकूमत वालों को और बादशाहों को और हाकमों को पता चल जाए ना कि अहले इल्म के सीने के अंदर अल्लाह ने क्या दिया है, तो ये हाथी घोड़े लेके आ जाएं, फौजे लेके हमारे हमसे हमारा खजाना छीनने के लिए। ये तो कहते हैं, ये तो इल्म वालों को पता होता है उनके सीने में अल्लाह ने क्या रखा होता है। एक वो कहते हैं ना जन्नत की सबसे आला महफिलें भी उलमा की महफिलें होंगी, जहां पे तफसीरें डिस्कस कर रही होंगे, हदीसें डिस्कस हो रही होंगी, आला तरीन महफिलें इल्म वाली महफिलें ही होती हैं, वहां पर भी लाइव सेशन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक बंदे ने सवाल किया कि भाई क्यों इल्म आदमी क्यों पढ़े, तो मैंने उसको जवाब दिया, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। मैंने उससे कहा था कि अल्लाह ताला ने इसकी कदरों की कीमत इतनी रखी है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जिसके सीने में इल्म हो अल्लाह ताला की वही का, अल्लाह ताला उसको अपनी दुनिया में निशानी बनाता है। तो सबसे आसान तरीका, अगर आप अल्लाह ताला की निशानी बनना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, तो इल्म है जिसके जरिए अल्लाह ताला लोगों पे हुज्जतें कायम करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी इल्म के साथ हुज्जतें कायम की अपने अंबिया के जरिए और फिर उसके बाद उलमा के जरिए। जो ये मैं जरा वर्दा बहन को जवाब दे दूं,
कॉन्फिडेंस जो कह रहे हैं ना मेरी तरह का, आपने इल्म हासिल करना है अल्लाह की मार्फत के लिए, इल्म हासिल करना है अपने आप को तलाश करने के लिए, इल्म हासिल करना है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, दोनों इल्म दूसरों तक पहुंचाना है ये नीयत अच्छी है, मगर पहले इल्म हासिल करना है कि मैं अपना तस्किया कर सकूं, तफसिया कर सकूं, पाक कर सकूं, अल्लाह से मिल सकूं, और आजजी अपनाऊं। मुतकब्बिर को इल्म नहीं मिलता कभी भी, ये कहते हैं ना इल्म मैंने पढ़ा, नहीं, इल्म सीने सेलेक्ट करता है। अभी आप लोग पढ़ने भी आएंगे ना तो मुख्तलिफ मिजाज पढ़ेंगे हमसे, आप इस इल्म को नहीं छोड़ेंगे, ये इल्म आपको छोड़ देगा अगर इसको आपके सीने में तकब्बुर, बुगज, हसद वगैरह दिखेगी ना, ये छोटे दिलों में नहीं जाता, ये अल्लाह की वही है, ये सीना देख के अल्लाह के, ये सीना देखता है उसका गयूर, गैरतमंद सीना देखता है और फिर जाता है। अल्लाह कह रहे ये इल्म आपको कबूल करे, आप इस इल्म को कबूल करें ना करें, इसको जो इस कोर्स में नहीं आता वो इस कोर्स में नहीं, उस वो उसने थोड़ी कोर्स छोड़ा है, इस इल्म ने उसको छोड़ दिया। ये सोच से आप आए कि जी काश के मैं क्वालिफाई कर लूं कि ये मुझे कबूल कर ले। मैं एक रात पढ़ता था तो मुझे ना इबारत के अंदर ना मफूल नहीं मिल रहा था, और सबसे ज्यादा मुश्किल तो मेरे शुरुआत में होती थी ला युनजिसु शयुन, है इन्नल मा तहुरुन, पानी जो है वो पाक होता है, ला युनजिसु शयुन, इसको कोई चीज नापाक नहीं करती। ये एक हदीस थी, अब उसकी ज़ौफ सेहत पे बात नहीं, मुझे यही समझ नहीं आता था युनजिसु के बाद ये शयुन मरफू क्यों है, इस पे पेश क्यों लगी थी, क्योंकि आपको पता है जितने भी मदारिस के लोग होते हैं और उलमा पढ़ते हैं वो पूरा कुरान और हदीस उसके आखिरी के लफ्ज पर जो पेश जबर जेर और साकिन होता है ना, वो पूरे कुरान हदीस की बयान कर सकता है कि यहाँ पे जज़म क्यों है या पेश क्यों है, जालिका जालिकल किताबों की किताब की बा पर पेश क्यों है, रैबा की बा पर जबर क्यों है, फी ही के अंदर ही की है, ये सब पता होता है उलमा का। तो आपको ये ताकत नहीं चाहिए क्या कि हुदन लिल मुत्तकीन में हुदन पे दो जबर क्यों लगी हुई है, लिल मुत्तकीन है और मुत्तकून होता है, मुत्तकीन मुस्लिमून कभी मुस्लिमीन क्यों हो जाता है, मुस्लिमून क्यों होता है, मुस्लिमान क्यों होता है, ये क्यों बदलते हैं एराब कभी, ये एराब क्या होता है, ये अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद दिन है और अल्लाहुम्मा सल्ले अला इब्राहिम है, अला के बाद मोहम्मद आता है तो उसके नीचे जेर आती है, अला के बाद इब्राहिम आता है तो उस पर जबर आती है, क्या वजह है इसके पीछे, कौन से उसूल के तहत ये सब हो रहा है, आपने नहीं सीखना, आपका दिल नहीं है कि मैं अल्लाह के कलाम को डिकोड करना सीखूं, मैं अपना दिल लगाऊं, मैं कहीं बैठ के सीख, मैं कहीं पे कितना मजा आता है जब आयत के अंदर आपको पता चले यार इसमें ये वाली चीज चल रही है, कितनी खुशी होती है, इससे बड़ा दुनिया के अंदर इश्क और मोहब्बत क्या हो सकती है, यार हमने दीन की कलाम को जो है खोलने का फन आ गया हमें, तो इसके अंदर अगर मारे भी खानी पड़ती है, वक्त भी लगता है, जिल्लतें भी नसीब होती हैं और मार भी और डांटे भी खानी पड़ती हैं, तो क्या बुराई है इसके अंदर, क्या बुराई है कि अल्लाह का दीन सीखने को मिल गया, अल्लाह की कलाम डिकोड करने को मिल गया, तो कैसे, तो इसमें इसमें इंशाल्लाह ताला बिस्मिल्लाह करें और आए इसमें। मेरे ख्याल से यहीं तक रहते हैं आज के सेशन को, मगरिब की अज़ान भी हो रही है मेरे ख्याल से, इट वाज बेनिफिशियल अल्हम्दुलिल्लाह का सेशन, लोगों ने जो है काफी सवालात के जवाब मिले इंशाल्लाह, और मजीद शेख आतिफ को आपको सुनने का मौका मिलेगा जब आप आएंगे सफा के अंदर इंशाल्लाह, शेख आतिफ पर्सनली कोर्स पढ़ाएंगे, तो यहीं तक रहते हैं आज के सेशन को। जज़ाकअल्लाह शेख साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकअल्लाह खैर एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।